तो दोस्तों, पिछली वीडियो जहाँ से हमारी एंड हुई थी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुई है। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम दोस्तों। और हमारा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होती है आज का। तो यहाँ पर जो मैंने कल किचन की लिपाई करी थी उसको दिखाई थी, उसके बाद जस्ट मैंने क्या काम किया था वो देखिए। तो मैं यहाँ पर ना आ गई हूँ, जो मैं फर्स्ट ब्लॉग मतलब शुरुआत ब्लॉग में दिखाई थी दो दिन पहले, कि यहाँ पर जो दरारें आई थी दीवार पे वो मैंने दिखाई हुई थी जब मैं मम्मी के घर आई थी बारिश के टाइम पे। उस टाइम पे यहाँ पर छवाई की थी तो काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई हैं। तो इसको मैं बोली भी थी उस ब्लॉग पर कि इसको यदि फिर हल्का हल्का छबाई करें पतला, या फिर लिपाई करें मोटी करके तो अच्छी हो जाएगी ऐसे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही दरारें आ गई थी तो मैं इसको ना प्लेन कर दे रही हूँ छबाई करके। जो मिट्टी लेकर के आई थी मैं उठा करके बाल्टी से, तो उसी मिट्टी में हल्का हल्का मैंने गोबर मिला लिया है। और गोबर मिलाने से ना थोड़ी सी फिसलन ज़्यादा चलती है और जो है फटने का चांस बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। तो उसी को मिला ली हूँ और जो है यहाँ पर छबाई कर रही हूँ। तो आप लोग ना पूरी ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों और फुल इन्जॉय कीजिएगा। और गांव घरों में ना गांव देहात में ऐसे ही मिट्टी का घरों को सजाते हैं, सवराते हैं, तब जा करके लिपाई करते हैं, तब वो सुंदर सा घर लगता है। नहीं तो बिल्कुल बेकार सा लगता है उठाने के बाद में, क्योंकि कोई मिट्टी से उठाता है तो कोई कच्चा ईंट से उठाता है तो कोई पक्की ईंट से, तो काफ़ी ख़राब लगते हैं। और जब छबाई कर देते हैं और लिपाई कर देते हैं तो वही दीवार पक्की दीवार की जैसे लगता है और काफ़ी सुकून मिलता है मिट्टी के घरों पे रहने के लिए। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसको प्लान करते जा रही हूँ। अब इस बार से ना छबाई बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ना पूरी तरह से मतलब प्लान हो जाएगा और इसको ना लिपाई करूँगी। उसके बाद में मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाऊँगी। कही थी उस दिन भी, आज भी कह रही हूँ, लेकिन जब मम्मी के गांव जाऊंगी तब। मैं ना ब्लॉग बनाने के बाद आ गई हूँ अपने घर पे और यही आने के बाद जो है वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और फिर जाऊंगी अगले बार। तो दूसरे साइड का दीवार को मैं छबाई करके दिखाऊंगी। तो आप लोग ना थोड़ी सी नेचुरल वॉइस का भी फुल आनंद लीजिए और बताइएगा कि लगता कैसा है।
तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा छबाई जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आप सभी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा साथ में। और आप सभी को दिल से धन्यवाद हमें इतने प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। बस इसी तरीके के साथ आप लोग हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखिएगा और अपना प्यार। तो देखिए फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम जाएंगे नहाने धोने के लिए क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है। तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा जो है छबाई कंप्लीट हो चुका है और दीवार देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब जो छोटा छोटा दिख रहा है ना कंकड़, उसको ना एक बार झाड़ू लगा करके और जो है इसको फिर से लिपाई करेंगे तो बहुत मस्त हो जाएगा। और ना इस बार के लिए बस इतना ही दिखा रही हूँ, बाकी सब ऐसे ही है। जितना मैं करी थी छबाई उतना ही बस है, कुछ नहीं किए हैं। और जो है नेक्स्ट बार आऊंगी तो फिर से छबाई करके दिखाऊंगी मैं और इसको लिपाई करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि लगता कैसा है। तो मैं चलती हूँ अब नहाने के लिए, काफी देर हो चुके हैं और खाना भी नहीं खाए हैं और हमें आज जानी है अपना घर वापस। तो फिर चलते हैं। नहा चुकी है और उसके पापा जी बाकी रह गए हैं। तो दत्वन तो मेरा सुबह ही हो चुका है काम से पहले, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। नानी के घर रहेगी कि जाएगी बताओ? जाऊंगी। जाएगी? और तू अनुष्का? बाय बोल दो नानी को। चलो बाय, फिर आएंगे ना। फिर हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद मम्मी के घर से देखिए निकल पड़े हैं अपने घर जाने के लिए। तो उसके पापा जी आगे आगे चल रहे थे और हम लोग थे पीछे पीछे। ये देखिए फिर से उसी रास्ता से वापस आ रहे हैं। देखो छोटी तो मस्त इसके पापा के ऊपर गोदी होके जा रही है, देखिए हलवा जैसे दिखाई दे रहा है। चलो आज मम्मी को अकेले घर छोड़ के आ गए। सब लोग चले गए, दीदी पहले चली गई, भाभी लोग पहले चले गए, फिर हम लोग भाग गए। आप अकेले आज उसको कैसे लगेगा अकेले अकेले। और उसके पापा जी गाड़ी को पहले ही निकाल के उधर रख दिए हैं, देख रहे हैं इस गड्ढे से उस पार। फिर हम लोग को लेने के लिए आए थे और गाड़ी को ना घुमाना पड़ता है उधर से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घुसता है, लेकिन घूमने के बजाय हम लोग इसी से चलते चलते चले जाते हैं। तो फिर से घुमाया है सुबह में
तो फिर हम लोग को लेने के लिए गए, फिर आ रहे हैं चलते चलते। बस इसी गड्ढी पे थोड़ा सा दिक्कत होती हम लोग को आने जाने के लिए, खास करके बारिश के दिनों में, नहीं तो गर्मी में तो अच्छा बना देते हैं, बड़ा गाड़ी भी फूस जाता है, फिर से फूट जाता है बारिश आती है उस टाइम। और यहाँ पे देखिए हलवा, लाल मिट्टी का हलवा, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है लाल मिट्टी का हलवा। इसमें घुसने से ना बहुत ज्यादा दलदल होगा, पूरा मिट्टी ही मिट्टी भरा है। दूर है मम्मी के घर से, नहीं तो यहीं से लेने के लिए आती मिट्टी छवाई करने के लिए, काफी ज्यादा है, देख रहे हैं। हाँ चिकनाई मिट्टी, लाल मिट्टी तेल जैसा फिसलता है सच्ची में लाल मिट्टी। और आज ना मैं क्या बोलते हैं, भाई दिया है राखी बांधी थी, वो साड़ी पहन के जा रही हूँ अपना ससुराल अपने मायके से। इसका ब्लाउज नहीं सिलवाई हूँ, फिर भी इसे मैं पहन ली हूँ, मुझे अच्छा लगा। और ब्लाउज एक था घर के तो उसी से पहन ली हूँ, और इसका ब्लाउज घर ले जा करके मैं सिलाई करूँगी। देखिए कैसे लग रहा है कलर। और गाड़ी के पास पहुँच जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है, देखिए इतना ज्यादा गड्ढी है, उसके बाद मम्मी के घर पहुँचते हैं। थक गए चलते चलते ना रे, धूप भी निकल रहा है, किसी टाइम छांव हो जा रहा है। हाँ, पहुंच गई छुट्टी। ये हमारी छोटी देखिए गाड़ी में बैठ गई। अरे थक गई रे, बैग तो मैं नहीं ढूंढूंगी भाई, आगे करो। अब चलते हैं घर, एक ही बार घर जाके मिलेंगे हम लोग का घर कैसा है। काफी ज्यादा बारिश हुआ है, पता नहीं हम लोग के घर साइड था कि नहीं, अगर हुआ रहा होगा बारिश तो पूरा घर अभी बर्बाद हो गया होगा, बरंदा सब पूरा। चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है हम लोग का घर। बैठो। तो दोस्तों हम लोग ना मम्मी के गांव से आ रहे हैं, तो हमारे गांव साइड ही पहुंच गए हैं। इस पहाड़ जो दिख रहा है, इस पहाड़ से उस पार हम लोगों का गांव है, और जो है यहाँ से लगभग अभी बच गया है 4-5 किलोमीटर होगा शायद तक, क्योंकि घूम करके जाना पड़ता है, सीधा नहीं है। तो आधे रास्ते पे हम लोग हैं, और आप लोग बोले थे कि फ्रेंड्स कि हमें जब जाएंगे आप लोग सफ़ेद मिट्टी साइड तो आप लोग दिखाइएगा कि सफ़ेद मिट्टी का जो है गड्ढा कैसा होता है। तो आज ना रास्ते पे ही पड़ती है, तो वहीं पे आ गए हैं और रुके हुए हैं यहाँ पे रोड पे, गाड़ी को खड़ा कर दिए हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि सफ़ेद मिट्टी हम लोग कहाँ से ले जाया करते हैं।